साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना किसे कहते हैं, ये कोई इस वक्त उद्धव ठाकरे से पूछे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने हाल ही में उद्धव के नाम पर मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जताई थी और इसके बाद कांग्रेस और शरद पवार ने तो सीधे गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली है। जी हां, महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम पद के चेहरे को लेकर रार बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के साथ शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं और शरद पवार ने भी उद्धव को दो टूक कह दिया है कि वो कोई गूंगी गुड़िया नहीं है। तो क्या अब उद्धव को अलग थलग करने की तैयारी कर रहे हैं शरद पवार और कांग्रेस? एमवीए में आखिर मुख्यमंत्री फेस को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है? क्या कहना है शरद पवार का आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे क्या एमवीए का चेहरा हो सकते हैं? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि हमारा गठबंधन ही हमारा चेहरा है, किसी एक को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जिसे जनता चाहेगी उसके हाथ में बागडोर दी जाएगी। हम अपनी मर्जी से किसी एक को आगे नहीं करने वाले, भले ही इसके लिए गठबंधन रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुख्य फोकस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जनता के समर्थन पर है, ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने पर है, ना कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। पवार ने साफ कहा कि हम कोई गूंगी गुड़िया नहीं है कि कोई किसी का भी नाम ले दे और हम उस पर हाँ कह दें। हम सामूहिक नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे और किसी एक को आगे करके दो बिल्कुल भी नहीं। ये आपको बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही महाविकास अघाड़ी को वोट मिला था और संजय राउत के इस बयान के बाद ही कांग्रेस और शरद पवार बुरी तरह भड़के हुए हैं। शरद पवार से पहले कांग्रेस भी साफ कह चुकी है कि कांग्रेस ने तय किया है कि संजय राउत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में एमबीए के तौर पर ही उतरेंगे। हमारी तरफ से ना तो किसी एक नाम को समर्थन है और ना ही किसी एक पार्टी को आगे करने की मंशा। गठबंधन में है तो सबकी माननी पड़ेगी, की सुननी पड़ेगी, कोई एक अपनी नहीं चला सकता। वहीं शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल भी कह चुके हैं कि एमवीए के घटक दलों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सत्ता में वापसी करने पर फोकस करना चाहिए। जयंत पाटिल ने ये भी कहा कि एमवीए के किसी भी एक सहयोगी को एक तरफा ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आगामी चुनाव में जीत की संभावना ही एकमात्र मानदंड होगी। इसके लिए पहले से कुछ भी कहना, कुछ भी उलझुल बयान देना भारी पड़ सकता है। यह आपको बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने राज्य की कुल 48 में से 21 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी और कहा था कि एमवीए के हर घटक को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और यहां पर भी कांग्रेस और शरद पवार का यही कहना है कि गठबंधन एक है तो मिलकर चलना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर एमवीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर रार बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस और शरद पवार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उनका फोकस सत्ता में वापसी करने को लेकर है, किसी एक को आगे करने का विचार नहीं है। यानी कि कांग्रेस और शरद पवार किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनने देंगे, ये साफ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या एमवीए को बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना चाहिए या फिर सीएम का फेस होना जरूरी है? क्या कांग्रेस और पवार की नाराजगी उद्धव को मुश्किल में डाल सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे महानगर पालिका ने हाल ही में बड़ा एक्शन लेते हुए शहर की गैर कानूनी 26 होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन होटलों पर सीधे बुलडोजर चलवा दिया गया। कहीं कहीं नगर पालिका के कर्मचारी खुद हथौड़ा हाथ में लेकर होटलों को तोड़ने पहुंच गए। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी एक झटके में ढहा दी गई, जिससे न सिर्फ पुणे में बल्कि महाराष्ट्र में भी सियासत गर्मा गई। खबरों की माने तो इन होटलों में कई होटल के मालिक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, जो चुनावों में मोटा पैसा खर्च करते हैं, चुनाव प्रचार में उद्धव के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं।
हैं। अब ऐसे होटलों पर बुलडोजर चलने से उद्धव का खेमा हड़बड़ा गया। अब दो दिन तक तो उद्धव के खेमे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर कार्रवाई के तीसरे दिन आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आए और शिंदे सरकार की इस कार्रवाई की जमकर आलोचना की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये होटल सालों से चलते आ रहे हैं, अब चुनाव से ठीक पहले ऐसे एक्शन का क्या तात्पर्य है। इन होटलों में ना तो कुछ गलत हुआ, ना ही किसी तरह की शिकायत सामने आई, फिर बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह गलत है। हम और हमारी पार्टी के लोग इस कार्रवाई के खिलाफ पुणे की सड़कों पर उतरेंगे और शिंदे सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया गया, क्या चुनावों के लिए ऐसा किया गया। अब आदित्य बोल ही रहे थे कि मीडिया में बैठे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता कि इन होटलों में कुछ गलत नहीं हो रहा था, आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन होटल के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्या आप इन होटल के मालिकों के संपर्क में रहे हैं। अब ये सवाल सुनते ही आदित्य की बोलती बंद हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार का कहने का मतलब था कि होटल के खिलाफ कार्रवाई से वो और उनकी पार्टी इतनी पर्सनल क्यों हो रही है। तो इस पर आदित्य ने बस इतना ही कहा कि होटल मालिकों से संपर्क में तो वो नहीं थे, मगर अब इस एक्शन के बाद कई पीड़ित मालिक हमसे मिले हैं, सच्चाई बताई है कि उनके होटल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था और इसीलिए हम इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अब मीडिया की तरफ से और सवाल आते उससे पहले ही आदित्य ठाकरे सीधे पुणे छोड़कर दिल्ली संसद पर पहुंच गए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की डांट का विरोध करने लगे। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जब निचले सदन में शपथ लेते समय जय संविधान का नारा लगाया था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई थी और साथ ही सांसद को डांट भी लगाई थी। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि संसद में शपथ लेने के बाद जय संविधान कहना कोई अपराध तो नहीं है, हम वही दोहराते हैं जो हम अब तक कहते आए हैं, बीजेपी अपना संविधान बदलना चाहती है, इतनी घिनौनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत क्या है, क्योंकि जय संविधान भारत के सभी लोगों की आवाज है, वो एक महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा था, क्या इसीलिए बीजेपी इसका विरोध कर रही है, क्यों बीजेपी बार बार जय संविधान कहने से चिढ़ रही है। अब आदित्य ने बात को पूरी तरह बदल दिया, होटलों पर बोलते हुए अचानक से संविधान पर आ गए, शिंदे पर भड़कते हुए अचानक से लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच गए। क्या आदित्य ने खुद को फंसते हुए देखकर टॉपिक बदल दिया, क्यों आदित्य होटल वाले मैटर पर अचानक चुप हो गए, क्या वाकई में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि उद्धव के खेमे को पर्सनली परेशान कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीजी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया के सामने आके इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि आज लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस से अचानक मेरी मुलाकात हुई थी। अब उद्धव तो इतना कहकर निकल गए, मगर उद्धव और फडणवीस की मुलाकात की चर्चा से कई नेताओं की नींद उड़ गई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने फोन पर लंबी बातचीत की और दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले। वहीं खबर ये भी है कि इस खबर की सच्चाई जानने के लिए शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को अपने घर पर बुलाया, मगर उद्धव ने विधानसभा सत्र की व्यस्तता का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पवार के खेमे में हलचल बढ़ गई। हर किसी को लग रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से साथ तो नहीं आने वाले, क्योंकि ये दोनों मिलकर पहले भी सरकार बना चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों को ही विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की जरूरत है। अब खबर सिर्फ इतनी आ रही है कि विधानसभा में मॉनसून सत्र के चलते उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे थे, दोनों लिफ्ट में अचानक टकरा गए, दोनों ने एक दूसरे से अभिवादन किया और हालचाल जाना, मगर ये खबर और दोनों की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर छा गई, वायरल हो गई, जिसके बाद तो सियासी कयासों के दौर चलने लग गए।